तो दोस्तों, अगर आप कम कीमत में एक स्पोर्ट्स बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये वाली बाइक एक बार ज़रूर देख सकते हैं। हीरो की XMR जो कि 210 सीसी के काफ़ी यहाँ पे टॉप वेरिएंट के साथ, टॉप लुक के साथ यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है, जो कि पहले आती थी काफ़ी टाइम से यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को नहीं मिली थी। तो ये वाला जो वर्ज़न है ये यहाँ पे हमें अपडेट करके ये हमें देखने को मिलेगा, और इसमें आप हाईवे पे काफ़ी अच्छी राइडिंग भी करेंगे। एक स्पोर्टी बाइक है ये, तो स्पोर्ट्स लुक के साथ ये हमें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। अगर आपको राइडिंग करना पसंद है, एडवेंचर वगैरह, या फिर आप टूरिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, तो आप ये वाली बाइक एक बार ज़रूर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगी और काफ़ी धांसू लुक के साथ हमें ये देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। तो अगर मैं इसके जो प्राइस है, इसका एक शोरूम प्राइस उसकी बात करूं, तो 1,80,000 इसका मात्र एक शोरूम प्राइस यहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो आप ये वाली बाइक एक बार ज़रूर देख सकते हैं। बाकी इसके अदर चीज़ों की मैं बात करूं, तो काफ़ी हैवी वेट के साथ ये हमें देखने को मिलती है, और काफ़ी इसका जो लुक है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। वेट यहाँ पे हमें ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हैवी देखने में ये काफ़ी हैवी बाइक लगती है। यहाँ पे 163 से 164 किलोग्राम इसका मात्र वेट हमें देखने को मिलेगा। ऑल ओवर कर्व वेट की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ, तो यहाँ पे 35 से 40 तक का अगर आप सही से राइडिंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। 210 सीसी की बाइक है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे पावर और टॉर्क भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अगर मैं पावर की बात करूं, तो यहाँ 25 BHP की पावर 9,250 RPM पर हमें देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं, तो यहाँ पे 7,250 RPM पर इसका मैक्सिमम जो हमें टॉर्क है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इसका सस्पेंशन यहाँ पे रहने वाला है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं रियर में बात करूँ, तो यहाँ पे रियर में जो मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 6 स्टेप यहाँ पे एडजस्टेबल हमें मोनोचॉक सस्पेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। LED हेडलाइट के साथ ये हमें देखने को मिलती है, और वहीं LED यहाँ पे टेल लाइट और LED DRL भी हमें देखने को मिल जाता है। LED वाले इंडिकेटर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे हमें LED में देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर मैं इसके वाइज़र की बात करूँ फ्रंट में, तो वो भी हमें यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने में लगता है। वहीं अगर आप इसके साइड में देखेंगे, साइड पैनल में, तो XMR की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, हीरो की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। डुअल डिस्क के साथ ये हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ ये हमें देखने को मिल जाती है। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे 160 mm का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एक स्पोर्टी बाइक है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप रूरल एरिया में राइडिंग करते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पे USB पोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एडिशनल में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे फ्यूल टैंक हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। और जो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है, वो यहाँ पे 810 mm का यहाँ पे सीट हाइट हमें देखने को मिल जाएगा, और स्प्लिट सीट के साथ हमें देखने को मिलेगी। स्प्लिट सीट वाले ग्रैब हैंडल भी हमें देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हाफ चैन केस के साथ हमें देखने को मिलेगी, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपको स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए, तो आप एक बार ये वाली बाइक एक बार जरूर देख सकते हैं। काफ़ी कम कीमत में हमें देखने को मिलती है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अगर आप ये वाली बाइक लेना चाहते हैं, तो बेझिझक ले सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पे मार्केट में ये थी पहले, अब यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिली है, तो काफ़ी अच्छी लुक के साथ हमें देखने को मिली है। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन हैं, तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ हमें ये देखने को मिलती है, और इसका वेट है वो भी काफ़ी यहाँ पे कम देखने को मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो यही था फ्रेंड आज की इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।